आपने मेरी बीवी को देखा? आपकी बीवी? नहीं नहीं, मैं आपकी बीवी को नहीं देखा। पता नहीं सुबह से गायब है, मेरे को तो लगता है शायद रात से ही गायब है, क्योंकि जब मैं रात को सोया 11-12 बजे के आसपास, तब वो घर पे थी। सुबह से ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिल रही। अरे भैया यहीं कहीं गई होगी, आप अच्छे से देखो ना। पता नहीं, ऐसे कभी मेरे को बिना बोले कहीं जाती नहीं है, आज पता नहीं कहाँ चली गई। अरे भैया अपनी सहेली वगैरह के साथ कहीं गई होगी, आप कॉल करके पूछो ना कहाँ पे। भैया मैंने पूरी सोसाइटी में ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मिली, आपको कहीं दिखी क्या? अरे भैया मिल जाएगी, हमने कोई छुपा के थोड़ी ना रखी है। एक बार आपके घर में देख लूं प्लीज। अरे भैया कहाँ घुसे आ रहे हो, मेरी बीबी अंदर कपड़े चेंज कर रही है। सॉरी सॉरी सॉरी, कहीं भी नजर आए ना तो प्लीज मुझे फोन करना। बच्चे तेरा पति तो तेरे को ढूंढते ढूंढते घर तक आ गया, अब आगे क्या करना है? अरे यार मुझे घर जाना है, तुम मुझे जाने दोगे तब जाऊंगी ना। वैसे भी रात को उसके खाने में नींद की गोली मिला कर आई, अब तक उसका असर उतर गया होगा, इसलिए मुझे ढूंढने निकल गया। इससे पहले बात बड़ी हो, मुझे घर जाना चाहिए। अरे बीबी कैसी बात कर रही हो, ऐसे कैसे जाने दूं मैं तुम्हें? एक तो वैसे इतने दिनों बाद मेरी बीबी मायके गई है, अब ये टाइम बार बार थोड़ी ना मिलता है। अब टाइम मिला है तो उसे इंजॉय करते हैं ना, और वो परेशान हो रहा है तो उसे होने दो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? ढूंढते ढूंढते चला जाएगा वापस घर। पुनीत बहुत हो गया, जाने दो मुझे। करो अय्याशी करो, खूब अय्याशी करो। अरे तू शादीशुदा है, तेरी बीवी है, अगर तेरी बीवी के साथ कोई ऐसे करे तो कैसे लगेगा तुझे? ओ बुड्ढे चुप हो जा, तू क्या कह रहा है? अय्याशी करो, अगर अय्याशी इस उम्र में नहीं करूंगा तो किस उम्र में करूंगा? और तू क्या इतना भोला बन रहा है, तूने अपनी उम्र में अय्याशी नहीं करी क्या? मेरे को बोल रहा है रहने दे, अगर तुझे इतना ही प्यार था ना माँ से तो तू माँ को बचा भी सकता था, तेरी वजह से मरी है वो। ओ प्लीज, वो मेरी वजह से नहीं है, उसे हार्ट अटैक आया था। एक बात बता, जो तूने इतना पैसा जोड़ रखा है उसे क्या छाती पे लेकर जाएगा? अगर वो पैसा तू आज मेरी माँ के ऊपर लगा देता ना तो काश मेरी माँ उस दिन बच जाती। देखो बेटा हर एक चीज अपने हाथ में नहीं होती, हाँ उसकी इतनी जिंदगी रखी थी तो उसने भोग ली, इस दुनिया से चली गई। एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, और तू भी हो इस घर में अगर रहना है ना तो मेरी बात तो माननी पड़ेगी, और तू हो नौकर, अगर इसकी ज्यादा चमचागिरी करी ना तो इसे तो मैं घर से धक्के मार कर निकालूंगा, साथ में तुझे भी निकालूंगा। जो ये 2-4 पैसे कमाता है ना वो भी नहीं कमा पाएगा। और एक बात शायद तू भूल गया है, और जगह जो तू काम करता है ना वहाँ से मैं तेरे को ज़्यादा पैसे देता हूँ यहाँ, इसलिए नहीं ताकि तू मेरी यहाँ, इसलिए नहीं ताकि तू यहाँ की बात बाहर बताए, तो तेरे लिए फ़ायदा इसी में रहेगा। अपना मुँह ना बंद रखियो, और जैसा यहाँ हो रहा है ना वैसा चलने दे, समझा? खराब कर दिया साहब, आज वैसे भी शाम को मेम साहब आने वाली है, आप इनको यहाँ से भेज दो, अगर मेम साहब ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी साहब। छोड़ो पुनीत इस सबको, अब मैं जाती हूँ, मेरा पति मुझे ढूंढ रहा होगा। मेरा पति तो यहीं आ रहा है, क्या करूँ? एक काम करो बेबी, तुम अंदर जाके ना छुप जाओ जल्दी। भैया पड़ोसी ने बताया कि आपके घर की तरफ आई थी मेरी बीवी। अबे भैया बोल तो दिया आपको कि हमारे घर में कोई नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रही क्या बात? बार बार सुबह से वही बात लेके बैठे हो, मेरी बीवी कहाँ है, बीवी कहाँ है? अरे हमें क्या पता, कहीं गई होगी किसी के साथ। अरे मेरा मतलब वो नहीं है, उसने कहा कि आपके घर पे एंटर होते हुए देखा मेरी बीवी। अच्छा आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, एक काम करो आ जाओ मेरे घर में तलाशी ले लो। अरे आप गुस्से से क्यों बोल रहे हो? नहीं भाई आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तुम तलाशी ले लो जाओ। भैया मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो नमस्ते अंकल जी, आपने देखा मेरी बीवी? आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस इसीलिए बोल रहा था कि पड़ोसी ने कहा कि आपके घर में इंटर होते हुए देखा है, और अभी कोई आधा घंटा पहले इंटर हुई है आपके यहाँ पे, और बता रहा था कि रात के समय भी आपके घर के आसपास कहीं थी। अबे गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ, एक तो सुबह से तू 2 बार आ चुका है, खामा खाई टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा। अबे तेरा तो टाइम नहीं है, कम से कम दूसरे को तो देखा कर। सोचा था कि आज की छुट्टी है आराम करूंगा थोड़ा सा घर में, 3 बार 2 बार 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 मेरी बीवी कहाँ है, ये कहाँ है? एक तो ना इन पड़ोसियों ने जीना हराम कर रखा है, अपने घर में तो देखना नहीं इन्हें कि क्या चल रहा है, दूसरों के घर में ज़्यादा इंटरफेयर करना है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है कौन खा रहा है। बेटा परेशान ना हो, आओ बैठो थोड़ा आराम कर लो, आ जाओ बेटा
आज बेटा। अंकल जी वो कल रात से ही गायब है, 11 बजे के आसपास। पता नहीं अंकल जी रात को 11 बजे से गायब है। पड़ोसी को पूछा तो बोल रहा था कि रात को भी आपके घर के आसपास दिखी है और सुबह भी आपके घर पे एंटर होते हुए देखा। हाँ पता नहीं सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रही है अंकिता ऐसे कहाँ जा सकती है। और आपको पता है ज़माना कैसा है, बाहर कोई कुछ कर दे या कुछ हो जाए फिर कौन जिम्मेदार होगा। इसीलिए मैं तो बस पूछने आया था भैया, खामखा में भड़क गए। आपने कहीं देखा हो तो। अबे ओए तेरी क्या दिक्कत है, क्यों खामखाई पापा को परेशान कर रहा है? ये तो उनकी पहली तबीयत खराब रहती है, तू क्या चाहता है तू अपनी ये टेंशन देके उन्हें और परेशान करे। और एक बात बता, तेरे को क्या हम ऐसे वैसे लगते हैं, ऐसे वैसे दिखते हैं क्या? तेरी बीबी काम करेगी क्या? वैसे ही मेरी बीबी मायके गई भी है। एक काम कर, चुपचाप से घर देख और जा यहाँ से। भैया आप मुझे तो ऐसे डांट रहे हो, लेकिन मेरी जगह अगर आपकी बीवी गई होती ना तो आपको समझ में आता। अबे ओ अगर मेरी बीवी गुम होती ना तो मैं अपनी टेंशन ना दूसरों को नहीं देता, पड़ोसियों को तेरी तरह यूं परेशान नहीं करता, उसे फ़ोन करता। अरे आस पड़ोस में कहीं जाके उसकी सहेली वगैरह से पूछता कहीं उसके साथ तो नहीं है। और एक बात बता, जब बीवी संभलते ही नहीं है तो शादी क्यों करते हो? गाँव का है ना तू। अरे जब तुमसे शहर की लड़की संभलती नहीं है, उसके साथ तुम्हारा बनता नहीं है, तो फिर शादी करते ही क्यों? कोई गांव की ले आया करो ना और उसी के साथ रह लिया करो। अरे आजकल की जो शहर की लड़कियां होती है ना, उन्हें तुम जैसे लड़कों के साथ मजबूरन शादी करनी पड़ जाती है। और वैसे भी शहर की है, कहीं गई होगी किसी दोस्त वगैरह के साथ में, क्या पता क्लब गई हो या मूवी देखने गई हो। बस तुम तो उस चीज़ को लेकर बैठ गए कि गुम हो गई, वही गांव वाली सोच लेकर। गई होगी, आ जाएगी अपने टाइम पे जब उसे आना होगा। देखो मैं अपनी बीवी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बिल्कुल ऐसी नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अबे जो जैसा दिखता है ना वो वैसा होता नहीं है। मेरी बीवी को देख लो, शादी से पहले मेरे को भी वो शरीफ ही लगती थी, शादी के बाद घूमती रहती है, कभी किसी दोस्त के साथ मूवी देखने चली जाती है, बिन बताए मॉल निकल जाती है। गई होगी तेरी भी। भाभी तो अच्छी है लेकिन। अबे क्या खाक अच्छी है, अपनी बीवी को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो किस तरीके की है। और एक बात बता, तुझे हमारे घर के मामले में पढ़ने की क्या जरूरत है? देख लिया ना घर, अब निकल। कोई बात नहीं बेटा, परेशान ना हो, तुम्हारी बीवी मिल जाएगी और मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है बेटा? ठीक है अंकल जी, चलता हूँ फिर। कहीं भी आपको कुछ दिखे या फिर पता भी चले तो मुझे कॉल ज़रूर करना। ज़रूर बेटा, निकलता हूँ। मामला तो कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं मेरा पति पुलिस कंप्लेंट ना कर दे। अरे बेबी तुम टेंशन मत लो, अगर उसे पुलिस कंप्लेंट करनी होती ना तो वो कब की कर चुका होता। वो क्या है ना, तुम्हारे पति को ना मेरे ऊपर शक जा रहा है, इसीलिए देख नहीं रही हो, बार बार घर के आसपास दिख रहा है और दो बार चेक करने भी आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि वो चला गया यहाँ से। अब एक काम करते हैं, मौका देखते ही तुम्हें मैं यहाँ से बाहर भेज देता हूँ और तुम फटाफट अपने घर चले जाना, कहीं पता चले कि ये दोबारा आ गया ढूंढता हुआ यहाँ। तुम ठीक है? अभी ये तो बाहर ही खड़ा है, अब क्या करें? तो क्या करते हैं, वेट करते हैं थोड़ी देर उसके जाने का। ठीक है एक काम करो, तुम बैठ जाओ इतने, देखता हूँ रास्ता साफ हो गया। अंकिता एक काम करो जल्दी लिख लो रास्ता साफ है। सर, 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 सर। अब मैं क्या करूं, मेरी बीबी आ गई है क्या? और वो बाहर ही खड़ी है, अगर इसने मेरे को तुम्हारे साथ देख लिया मैं तो फंस जाऊंगा, क्या करूं? तुम्हारी बीबी इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे यार मुझे थोड़ी ना पता था कि वो आ जाएगी, और आने से पहले इसने एक फोन भी नहीं किया, अगर उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक काम करो तुम जाके ना उस रूम में छुप जाओ, जाओ यार। मैं छुपती हूँ, जल्दी जा। अरे बेबी तुम आ गई, फोन भी नहीं किया आने से पहले।
अरे तो क्या हुआ, मैं अपने घर में जल्दी नहीं आ सकती क्या? जल्दी आ गई तो इतना इश्यू क्यों हो रहा है तुम्हें? अरे अरे बेबी, तुम बताती तो मैं तुम्हें लेने आ जाता ना, तुमने फोन भी नहीं किया आने से पहले। आज से पहले तो तुम बड़ा मुझे लेने आए हो, छोड़ के भी नहीं आए थे तुम मुझे मायके, मैं अकेली गई थी खुद। अरे बेबी तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं पूछ ही तो रहा हूँ ना। मेरा ना पुनीत वैसे ही बहुत ज्यादा मूड खराब है, तो एक काम करो तुम हटो यहाँ से, वैसे भी मुझे अपने कमरे में जाके रेस्ट करना। अरे बेबी भी रुको ना, उस वाले रूम में मत जाओ, तुम एक काम करो उस वाले रूम में चले जाओ। क्यों, मैं अपने रूम में क्यों नहीं जा सकती, क्यों इस कमरे में जाऊँ मैं, मुझे उस रूम में जाना है तो। अरे वो क्या है ना, वाला रूम थोड़ा फैला हुआ है, तो मैंने रामू को बोला है कि एक बार उसकी साफ सफाई कर दे, उसके बाद तुम उसमें चले जाना, इतने तुम उस वाले रूम में चले जाओ। पापा जी आपने खाना वाना खा लिया? हाँ बेटा खा लिया खाना मैंने। बेटा मैंने तुझसे एक जरूरी बात करनी है। अरे पापा क्या जरूरी बात करनी है, और ये क्या आपने आज भी अपनी दवाई टाइम पे नहीं ली? फिर टाइम पे दवाई नहीं लेते हो फिर बीमार पड़ जाते हो। बेबी तुम एक काम करो, तुम जाओ रूम में। क्यों भी बुड्ढे, क्यों उसके आगे मुंह खोलने जा रहा था? बता रहा था उसे कि यहाँ पे मैंने अपनी प्रेमिका को छुपा रखा है। अगर उसे कुछ भी बताने की कोशिश करी ना, याद रखियो इस घर में जीने नहीं दूंगा तुझे, धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगा, समझा? मैं भी कहाँ इससे बहस करने बैठ गया, साक्षी भी अपने रूम में, मौका सही है। एक काम करता हूँ अंकिता को बाहर निकाल देता हूँ। अंकिता अंकिता जल्दी आओ। अरे बेबी तुमने अभी तक अपने कपड़े चेंज नहीं करे, एक काम करो ना तुम जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देता हूँ। ये तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझ पे इतनी मेहरबान क्यों हो रहे हो? क्या हुआ, सब ठीक है ना, कुछ गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं है? अरे बेबी अगर एक आध बार मैंने तुम्हें खाना दे भी दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या आज से पहले मैंने कभी तुम्हें खाना नहीं दिया क्या? ठीक है यार अब क्या करूं, एक तरफ मेरी बीवी आ गई, दूसरी तरफ ये बाहर इसका पति घूम रहा है, निकालू तो कैसे निकालू अंकिता को घर से बाहर, अगर इन दोनों ने हमें देख लिया ना मेरा तो आज तलाक होकर रह गया। साक्षी ये सब क्या चल रहा है? क्या हो गया पुनीत भाई, भड़क क्यों रहे हो, भाभी तो है। और ये हमारे घर में क्या कर रहा है, और तुम्हारे रूम में क्या कर रहा है ये? अरे कुछ नहीं, वो भाभी के साथ मेरा चक्कर चल रहा है। के भाभी, अरे तुम्हारी बीबी तो बड़ी हॉट है यार, मतलब मजा ही आ गया कसम। दूसरे की बीबी के साथ ये सब करता है, शर्म नहीं आती तुझे? सुबह तक तो अपनी बीबी को ढूंढ रहा था, और अब मेरे ही घर में मेरी बीबी के रूम में। तो क्या हो गया, दूसरे की बीबी है तो पड़ोसी तो तुम मेरे, आगे क्या फर्क पड़ता है? एक काम करना, ये जूस रहने दो, अभी जरूरत नहीं है इसकी, दरवाजा बंद कर देना प्लीज। ज्यादा बकवास मत कर, मैं तेरी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, क्या कर रहा है मेरी बीबी के साथ सब बता दूंगा पुलिस वालों को। अरे बीबी तो इसमें गलती क्या है, और तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, मैं प्रिंस को पसंद करती हूँ, और इन सब में कुछ गलत थोड़ी ना है, मैंने ही इन्हें बोला था कि आ जाओ मेरे बेडरूम में थोड़ा टाइम साथ स्पेंड कर लेते हैं। साक्षी तुम्हें पता भी है तुम क्या सब बोल रही हो? पुनीत मुझे ना दुनिया की कोई परवाह नहीं है, तुम्हें जिसे जो बोलना ना तुम जाके बोल दो, प्रिंस मुझे पसंद है इसलिए उसे मैंने बेडरूम में बुला लिया। ठीक है तो तुम जाओ यहाँ से और हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो। अगर ये यहाँ से नहीं गया ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर में फोन करके उन्हें बता दूंगा कि तुम किस तरीके से अपने आसिक को अपने घर में बुला रही हो। मैं कह रहा हूँ इसे भेज दो यहाँ से। अच्छा पुनीत, पुलिस कंप्लेन कराना तो सबसे पहले जाके अपनी करा लेना, क्योंकि तुम भी तो दूसरी औरतों के साथ मुंह काला कर रहे हो ना। मुंह काला? मैंने किसके साथ अपना मुंह काला करा है? तुम्हें क्या लगता कुछ पता नहीं चलेगा मेरी बीवी कहाँ है? भाई क्या बात कर रहे हो, मैं नहीं जानता तुम्हारी बीवी को कि वो कहाँ है कहाँ नहीं, मेरे को नहीं पता। अब भी कुछ कहने को बाकी है क्या? अंकिता तुमसे उम्मीद नहीं थी, और मेरे खाने में तुमने नींद की गोली मिला दी थी, बहुत बढ़िया। तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बोल दूँ, मैंने वो खाना खाया ही नहीं था, मैंने तुम्हें देख लिया था नींद की गोली मिलाते हुए, इससे पहले मुझे तुम पे कभी शक भी नहीं हुआ, क्योंकि वही करती होगी तुम रोज, नींद की गोली मिला देती थी और मैं सोया रहता था, तभी मैं सोचता था कि सुबह 10 बजे तक मेरी आँख निकलती है। सही है, फिर मैंने सोचा कि इसका पीछा करता हूँ कि करती क्या है, फिर जब तुमने मुझे खाना दिया और मैंने तुम्हारे सामने खाना खाने का नाटक किया और वो खाना वहीं किचन में छुपा दिया, फिर तुम्हारा पीछा किया और तुम पुनीत के घर में एंटर हुई,
बहुत बुरा लगा ये सब देखकर। तुम्हारे घर पे फोन करके मैंने सारी बात बता दी है, और फिर जब पुनीत से पूछता हूँ कि मेरी बीवी चली गई है कहीं नजर नहीं आ रही है, तो इसने क्या बहाना बनाया कि हाँ मैं तो जानता ही नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं। चलो सही है जो भी है। फिर मैंने तुम्हारी बीवी को कॉल किया कि भाभी अब आप ही मेरी मदद कर सकती हो, क्योंकि आपके साथ भी वही हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है, हम दोनों एक स्टेज पे थे। फिर भाभी ने बोला कि मिलकर प्लान करते हैं और इन दोनों का पर्दाफाश करते हैं, और अब तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है, अब जो करना जाके करो, और तुम्हारी पुलिस कंप्लेन तो मैं भी करूंगा। सॉरी अंकिता, किस चीज की सॉरी मांग रही हो? तुमने कोई गलती थोड़ी की है। अब तुम्हारी बीवी के साथ जो मैं कर रहा था तुम्हें बहुत बुरा लग रहा था, सोचो मुझे कैसा लग रहा होगा, क्योंकि तुमने तो कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं मुझसे अंकिता, पर मैंने किया था ना। कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है और मुझसे गलती हो गई, तुमसे जो प्यार किया लेकिन अब सुधारने की बारी आ गई है। पुनीत ये जो तुमने करा है ना, इसकी सजा ना तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं आज ही जाके पुलिस कंप्लेंट करवाऊंगी, और हाँ डिवोर्स भी दूंगी तुम्हें आज के आज ही। हाँ अंकिता, मैं भी तुम्हें तलाक देता हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, अकेले जिंदगी काट लूंगा, लेकिन ऐसी औरत के साथ नहीं रहना जो मेरी पीठ पीछे ये सब करती है। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो, और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी, और कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो प्लीज यार कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट से बनाई है जो अपने पिछले वीडियो में कमेंट्स किए थे, तो कमेंट भर भर के कर दो। कोई भी स्टोरी आ रही है तो बता दो, और प्लीज यार हमारे पेज को फॉलो करो यार, फॉलो का बटन दबा दो प्लीज यार, फॉलो नहीं करते हो प्लीज फॉलो का बटन दबा दो, और शेयर करो वीडियो पे, अब भी शेयर बटन पे क्लिक करो, शेयर कर दो यार, शेयर कर दो प्लीज, कर दो यार, कर दो, नहीं करा प्लीज कर दो यार, कर दो, लव यू ऑल।